पावन अपनी हाथ उठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, भाग्य गीता के पैरोकार मेरे सज्जन और धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। अपनी गीता जी के विशेष विशेष नुक्ते यानी पॉइंट्स हम ले पा रहे गए। आपके हक में मैं अपने इष्ट देव जी से प्रार्थना करके आता हूं, जरूर आपको शक्ति देंगे कि आप इसे जीवन में ढाल देंगे, जीवन में अपनाएंगे। क्योंकि गीता एक चोटी की ब्रह्म विद्या है, जब तक इसको अपने जीवन में ढालना दिया जाए तब तक ठोस लाभ नहीं होता। मन और बुद्धि पूर्ण रूपेण परिवर्तित नहीं होते। आप अपनी ओर से प्रसाद करते जा रहे हैं मेरी देवियों मेरे सज्जनों। इन दिनों ये पावन कार्तिक मास का पावन समय जा रहा है, अपने इष्ट देव से मन ही मन में प्रार्थना कर लेना आपको दिव्य शक्ति प्रदान करें अपनाने की, वाणी को अपनाकर अपना कल्याण करने की। चलिए आज का आशीर्वाद अपने भगवान जी से ले। हाँ, एक सूचना मैं दूं, अब इस कार्तिक मास में सवेरी शाम कुछ गरीबों को दान दिया जाएगा। कई चीजों का मैं आपको बताता रहूंगा समय समय अनुसार। अब एक गैया का दान और अपना निर्वाण, हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक भगवान जी की वाणी जो सिद्धांतों का घर है, बेटे सिद्धांत जो जिसके आधार पर ये सृष्टि चल रही है, उन्हीं को गीता जी ने अपने अध्यायों में प्रकट किया है। पहले नहीं पता था, नहीं तो शुरू में पता होना चाहिए। जब बच्चे ने एक ग्रास का दाना लिया था उसी दिन से हमें पता होना चाहिए था। नहीं पता लगा या मेरी प्रभु की इच्छा नहीं है वो जाने। अब जब समझ आ रही है तो मेरे कहने का हक बनता गए कि हम बिल्कुल देर न करें, समझे और अपना ले। गागी बिल्कुल अगर अपना लेंगे ना, ये कभी नहीं करा। आयु गई, अब क्या आयु रहेगी, जिनकी 40 से ऊपर हो चुकी है पता नहीं कब, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। इसलिए जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, आनाकानी भी नहीं, फौरन अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने आप में ले आए, अपने जीवन में ढाल ले। अति बहुत अच्छी बात है, अति सुंदर है। और चले मैं आपको ले चलूं आठवें अध्याय में। आठवें अध्याय में यूं तो प्रभु ने बहुत सी बातें प्रकट की है, वो मेरे मुंह से बातें निकल गया यानी सिद्धांत प्रकट किए हैं। और नाम क्या रखा है यार आठवें अध्याय का, अक्षर। आठवें अध्याय में जरा ध्यान देना आप लोग, थोड़ी देर समय थोड़ा सा है। क्षर होता है जिसका नाश हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, जैसे हम कहते हैं पानी पतासे में खुरता चला जा रहा है, अर्थात डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन ये आ लग गया पहले अक्षर, जिसका कभी जो कभी खुरेगा नहीं, सदा एक रूप एक समान रहता है, वो कौन, भगवान जी। इस त्रिलोकी के अंदर मेरे सज्जनों मेरे भाइयों मेरी माताओं मेरी कल्याणकामी देवियों, एक भगवान की सत्ता है जिसमें जरा बार भी कोई तब्दीली नहीं आती, और जो सर्वव्यापी है
जिन्हें सृष्टि बनाई है और पालन कर रही है और अपने में सृष्टि को लेते भी जा रही है। इसको समझने के लिए हमें कहा गया वेदों के अंदर कि सृष्टि को समझना तो यूं समझिए जैसे नदी के ऊपर चलती नदी पर, चलती नदी के पानी पर एक बुलबुला निकलता है। कहां से आया? पानी से। खड़ा कहां है? पानी पर। ओह, हमारे देखते ही देखते पानी में समा गया, देखते ही देखते पानी में समा गया। गुड, पानी में डिजॉल्व हो गया। इससे संसार कहां से आया? बड़ा अच्छा दृष्टान जी बुलबुले का, भगवान से। खड़ा कहां है? भगवान की शक्ति पर। यहां कहां रहा है? भगवान जी में समाता चला जा रहा। ये दृष्टान जब जान लिया जाए, आठवां अध्याय हमारी बड़ी मदद करता है। शुरू में अविनाशी भगवान, बीच में ये सृष्टि बना डाली। सृष्टि का मतलब नाना प्रकार के नाम और रूप, नाना प्रकार के प्राणी और पदार्थ। अच्छा, ये नाना प्रकार की योनियां, योनियां, इसी को हम सृष्टि कहती हैं मेरे देवियों, इसी को हम संसार कहेंगे, जगत कहेंगे। अच्छा, यही जगत है। लेकिन हम लोगों ने बुद्धि में हमेशा के लिए रख लिया, आपने रख लिया ना, कि ये संसार सरकता चला जा रहा है, टिका हुआ नहीं है। माया ऐसी बुद्धि पर पर्दे डाल देती है कि हमें संसार नजर आता है कि टिका हुआ है, पर जब भगवान जी ने किसी नेक जीव पर कल्याण करना हो तो संसार भागता हुआ नजर आने लगता है। अच्छा, ये मैं आपको लक्षण बता दूं गीता जी का, जिस पर मेरे भगवान की पूरी कृपा है उसको संसार भागता हुआ नजर आएगा, जिस पे माया की कृपा है उसे संसार टिका हुआ नजर आएगा, स्टेबलाइज नजर आएगा। जब तक स्टेबलाइज नहीं है, ये पूरी गति के साथ भागता जा रहा है। कहां? पांच तत्वों में। कहां? भगवान की जात में। तो आठवां अध्याय हमारी इस रूप में मदद करता है कि जब ये भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, हाँ, इसको इसी रूप में देख रही है। अगर हम कहते हैं हाँ, तो मेरे प्रभु आपको यकीन दिलाते हैं फिर आप भगवान को नहीं भूल सकते। अगर आपका रोम रोम ये कह रहे कि बिल्कुल हमें प्रतीत होने लगा कि संसार भाग रहा है, जा रहा है, संसार टिका हुआ नहीं है, दौड़े जा रहा है, फिर आप जिंदगी कैसे काटे? बस मैं आपका ध्यान इसी विशेष बात पर केंद्रित किया चाहता हूं। जीवन कैसे कटेगा? छोटा सा इतना सा सिद्धांत बताया, माम अनुस्मर युद्ध च, जो जो भी जिस जिस के जिम्मे कर्तव्य कर्म है वो तो हमने पूरा करना ही है। अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने समाज है, आपके सामने परिवार है और नाना प्रकार के परिवार के कर्तव्य है। आप उन कर्तव्य को पूरा करने जरूर कर भी रहे हैं, पर एक बात भगवान ने कही, माम अनुस्मर, ये बात आप भूल गए, अपने मालिक को याद करते रहे। मुझे याद है अर्जुन, मैं इसी के इर्द गिर्द आपकी परिक्रमा करवा रहा हूं आज। मुझे याद है अर्जुन, महार रंग कर लिए जा मेरा नाम, और उनके सामने जंग था, हमारे सामने क्या है? जिंदगी के कर्तव्य, कश्मकश, संघर्ष। जंग का अर्थ हर जगह नहीं लगता मेरी देवियों, अब हमने तो लाक्षणिक अर्थ लेनी है, क्योंकि अर्जुन को गीता संबोधित है, एड्रेस कर रहे हैं हमारे भगवान जी अर्जुन को, तो वहां तो शब्द आएगा युद्ध च, हमारे सामने क्या आएगा? माम अनुस्मर कर्म च, अपने विशेष प्रकार के कर्तव्य कर्म में हमें लगे रहना है। हमारी वो, हमारा वो कर्म यकीन जानिए क्या हो जाता है, पूजा बन जाती है, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ तो रहता नहीं, मन तो लगा हुआ है भगवान की मधुर स्मृति में, स्वीट मेमोरी में। बड़ा शानदार जीवन है ये, अगर मेरी देवियां थोड़े सा प्रसाद करके अपने अंदर एक नई रौनक ले आए तो। अगर मेरे बुजुर्ग और मेरे खास करके यंगस्टर्स अपनी बुद्धि में यह बात बिठा ले, बड़ा अच्छा जीवन, बड़ा मीठा जीवन, बड़ा हल्का जीवन, बड़ा खुशनुमा जीवन, वेरी प्लेजेंट। एक बार आप पूरी कोशिश कीजिए कि महाराज जी को मैं अपने साथ रखूं,
उनकी वजह स्मृति बनी रहती है कि ये संसार तो एक खेल की तरह है, मालिक ने बनाया है लेकिन खेल टिका हुआ नहीं। जरूर आपने समाज में बाजारों में कभी न कभी भगवान का जब अवतारी दिवस होता है उसे एक दिन पहले क्या होता है वो जुलूस निकलता है। हाँ, बड़ी बड़ी शान से जुलूस निकालती है और बड़े अच्छे अच्छे जिनको मेरे भगवान ने अच्छे अच्छे मीठे गले दिए हैं वो गायक बुलाए जाते हैं और वो गाड़ियों में बैठी होती हैं। अच्छा, तो उस शोभा यात्रा के अंदर जुलूस को अपनी भाषा बोलती है शोभा यात्रा। उस शोभा यात्रा में वो गा रही होती है और हर चौराहे पर खड़े कर देती है प्रोग्राम बनाने वाले और उसमें बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे गीत सुनाते हैं भगवान जी के। फिर गीत पूरा हुआ विसल बज जाती है अगले चौराहे पर। इस तरह ये शोभा यात्रा गुजरती है। मैं कहूंगा जुलूस भी न कहो, शोभा यात्रा भी अभी मन में रखो, अंग्रेजी का शब्द लो जो महापुरुषों ने बताया पासिंग शो। जुलूस को बोलती है वो पासिंग शो है, तो ये शो और इट इज पासिंग। हाई इट नॉट स्टिल शो, अंग्रेजी के पासिंग के उल्ट बोलेगा हम स्टिल खड़ा हुआ स्टिल वाटर स्टिल शो नहीं पासिंग शो है नॉट स्टिल। बिल्कुल ये संसार पासिंग शो है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। लो फिर अब आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, आप में चूंकि सतगुण बढ़ता जा रहा है तो मान अक्षर में लग जाएगा। दैट वेरी एग्जिस्टेंस विच इज इमॉर्टल इम्पेरिशिबल वाह इम्यूटेबल अनचीजेबल, हमारा मन उड़ारी मार जाता है। पहले इस उसका चिंतन होता था माँ बाप का बहन भाई का जो भी हमारे कंटेक्ट में आ चुके हैं या जिनके साथ हमारा डेली कंटेक्ट है उनका चिंतन, अब इनकलाब आ जाता है। व्यवहार तो चलता रहता उनके साथ चाहे व्यवहार कम हो जाता है लेकिन चिंतन में भगवान जी रहती है। सुनो मेरी माताओं मेरी बेटियों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, क्योंकि भगवान का प्रमाण है माम अनुस्मर, उनकी याद बनाए रखे बनी रहती है। मैं आपको बताऊं अपना तजर्बा, जब हम संसार को पासिंग शो जाने तब जब संसार को भागता हुआ जाने, मन भागती चीज में नहीं लगना चाहता, भगवान ने स्वभाव ऐसा बना दिया मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, प्रभु ने स्वभाव ही ऐसा बना दिया मन का कि मन उसमें टिकना चाहता है जो टिका हुआ हो, क्योंकि टिके हुए में इसे शांति नजर आती है आराम चैन करार नजर आता है। ये समझता है कि इसमें प्रीमियल और परमानेंट हैप्पीनेस है अटर्नल हैप्पीनेस है यानी शाश्वत शांति है, तब उसमें लगेगा। हमें को पुरुषार्थ नहीं करना, सिर्फ अपनी समझ में अंतर लाना। अज्ञानता में नजर आता है ये टिकी हुई है, मैंने अभी अभी गुजारिश की थी, ज्ञान में ये नजर आता है नहीं टिके हुए नहीं है ये तो जा रही। हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हुए निकल रहा है। फिर क्या होगा भगवान के अनमोल शब्द बोलूं तो दाना कहां इनसे कुछ का। आप जैसे दूरदर्शी आप जैसे बुद्धिमान विवेकवान वैराग्यवान कभी भी अपना मन इनमें उलझने नहीं देते, ऐसी मेरी देवियां कभी भी अपना मन इनमें लगाएंगी नहीं, कदापि कदापि नहीं। मन प्रामुख रहेगा, मन उठा रहेगा। गुड, अति सुंदर। अपना पुरुषार्थ कीजिए जितना हो सकता है, अपनी ओर से जुटिए और जुटे नहीं हम, लेकिन ये ध्यान रखना दिन भर में भगवान कर्म ही छुड़ाते हैं, भगवान हमारा दृष्टिकोण बदल देती है, हमारा जो एंगल ऑफ व्यू है टोटली चेंज। अच्छा, मैं जब एंगल ऑफ व्यू बदल गया इंसान बदल गया। किसी को बदलना चाहते पर आपके वश की बात नहीं, उसका दृष्टिकोण बदल दो तो उसके सारे इरादे विचार कर्म संगत ऑल टूगेदर चेंज्ड। If the angle of vision is changed, man entirely changed.
अपने आप को बदलना तो बेचिए, अपने 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 दृष्टिकोण को बदलने की चेष्टा कीजिएगा। और दृष्टिकोण कब बदला जाता है? जब हम किसी को स्थिर जाने, वो तो सारे संसार के अंदर भगवान जी स्थिर है। इस रूप में हमारी आठवां अध्याय बड़ी मदद करता है। भगवान ने नाम ही रखा है अक्षर ब्रह्म योग, कि वही ब्रह्म वही भगवान अक्षर है जिसका नाश नहीं होता। इस तरह जीव जानता हुआ उस योग मिल जाता है उनमें। हमारा आवागमन क्यों है? हम इतने नाना प्रकार के दुख क्यों पाते हैं? भागने वाली चीज को टिका हुआ समझती है और उनमें वासना कामना इच्छाएं बनाकर अटैचमेंट हो जाती है और उनको प्राप्त करके प्रयोग करती है। उनमें आता है परिवर्तन, कोई नाश हो गया, कोई हमारे विरुद्ध हो गया, कोई हमारे अनुकूल हो गया, बस मन में बेचैनी रहती है। अगर आप जैसे नेक जी, मैं रजोगुणी को नहीं संबोधित हूं, मैं आपसे संबोधित हूं, अगर आपने सतगुणी जीव इस बात को सदा के लिए अपने मन में रख ले, आई मौज बहार, एक निराली बहार, एक तो प्रकृति में बहार आती है, एक इंसान के अंतःकरण में बहार आती है, और इस बहार में बड़ा सुंदर निखार है, बहुत अच्छा निखार। अब क्या होगा? अब जीव सदा ही अंतर्मुखी हो जाता है। अब जीव अपने शांति का केंद्र अपने अंदर में बनाता है, बाहर किसी को नहीं बनाएगा। आप उसकी रोशन जमीर उसे लानत मारती है, खुशी मेरी और मुट्ठी में किसी गैर की। वो अपनी खुशी को किसी गैर की मुट्ठी में नहीं देगा। आज 99% मेरे बुजुर्ग भाइयों बताओ बेटियों, अपनी खुशी को दूसरों के हाथ में, ऐसा हो जाए ना तब बात बने। ऐसा क्यों बन गया? क्योंकि अपनी खुशी को दूसरों के कंधे पर रखे हुए। आप ऐसे नेक जीव कभी गिला शिकवा शिकायत नहीं करते। ऐसा हो जाए तो क्या, वैसा हो जाए तो क्या, ऐसा हो जाए मत बेटर, वैसा हो जाए मोर बेटर। हाय, ये दो शब्द मेरे गुरुदेव महाराज जी के हैं, पकड़ लीजिए। जिन्होंने हमेशा शांत रह करके भगवान की जात में तलीन हो जाना है, ऐसा हो गया आपने का मत बेटर, इसके उलट हो गया आपने का मोर बेटर। क्यों? ये कौन कह सकता है? जो कि प्राणी पदार्थों पर, एटमोस्फियर पर, वातावरण पर डिपेंड नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो संसार पे डिपेंड नहीं करता, संसार बनाने वाले पे डिपेंड करता है। यह है एंगल अभी इनका चेंज हो जा रहा है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारी देवी हो, या इंसान का दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल जाता है जब वो दुनिया बनाने वाले पर डिपेंड करता है, दुनिया पर नहीं। बिल्कुल ही बदल जाता है खुशी का केंद्र, उसका कोई प्राणी पदार्थ नहीं रहेगा, उसका मनोरंजन का साधन केवल भगवान जी, अक्षर ब्रह्म। ध्यान से सुन लो मेरे सज्जनों, ध्यान से सुन लो मेरी कल्याण कामिनी देवियों, खुशियां केंद्र केवल भगवान जी। आजकल का पढ़ा लिखा इंसान बेवकूफ बना हुआ, बिल्कुल ही एजुकेटेड फूल, अपनी खुशी को कितनों पर रखा हुआ है, पढ़ाई पर, कमाई पर, पत्नी पर, पति पर, इज्जत पर, बड़ी बड़ी पदवियों पर, अपने व्यवहार पर, टीवी पर, ताश खेलने पर, अपने मित्रों यारों पर और अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारी पर लानत है। जबकि परिवर्तन 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 एंड कॉन्स्टेंट परिवर्तन, नॉट टेम्परेरी परिवर्तन बट परमानेंटली परिवर्तन, तब आप जैसे विचारवान कभी भी अपना मन इन पर डिपेंड, इन पर नहीं रखेंगे बेटे, इन पर निर्भर नहीं होते है। चूंकि संसार ना अवलंबनीय है और ना विश्वसनीय है, ना डिपेंडेबल नॉट रिलायबल। अंग्रेजी पढ़े लिखो दो शब्द तो ले लो मेरे गुरुदेव के, संसार नॉट डिपेंडेबल, भरोसा करने योग्य अवलंबनीय नहीं है, नॉट रिलायबल विश्वसनीय भी नहीं है। जो ये दो गुण आप पर गया कर, वर्ल्ड इज नॉट डिपेंडेबल नॉट रिलायबल, ओनली गॉड इज डिपेंडेबल एंड रिलायबल। लो शानदार इंकलाब, इंटरनली कहूंगा इंकलाब, आंतरिक आ गया इंकलाब या आंतरिक क्रांति आ गई, यही भगवान चाहते हैं। फिर क्या होगा? जो भगवान जी पाठ पढ़ा रही हैं, मां मनुस्मर, मन ने चिंतन तो करना है, पर अब चिंतन का विषय भगवान बन जाएगा जहान में। आप कर्म करते हुए तो समाज में दिखाई देंगे, लेकर आप समाज का किसी प्रकार का चिंतन नहीं करेंगे। मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर प्रसंग अनुसार कह रहा हूं,
संसार में जैसा कोई विषय आएगा आप करेंगे, जिस समय की जो ड्यूटी होगी आप बजा लाएंगे, लेकिन उस पर ना डिपेंड करेंगे ना उसके बारे में सोचेंगे। ये मेरा काम है, मैं करता हूं, बस ये मेरा कर्तव्य मुझे मजबूर कर रहा है, मैं करती हूं। आगे उस पर आप डिपेंड नहीं करेंगे, डिपेंड भगवान पर। ऐसे जीव भक्ति कर जाती है और अपना लोक परलोक बना जाती है। ऐसे जीवों के लिए गीता पुकार के कहती है, तन काम में मन रहे ध्यान। भले इस वक्त आपको कुछ आश्चर्य हो, इज इट पॉसिबल, हां आप करके देखो। तन काम में जिस समय समय अनुसार जैसे हमारे कर्तव्य कर्म या हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हमारे सामने आती है, मेरे सदियों में देवियों हम पीछे नहीं हटते, हम शर्क वर्क नहीं है, हम हार्ड वर्कर है, नॉट शर्क वर्कर, शर्क वर्क बट हार्ड वर्क। हम जुटने वाले हैं, लगने वाले हैं। ये हमारे क्या कमजोर दिलों वाला नहीं के लिए नहीं है, ये हमारे मजबूत दिलों के लिए है, जिनके मन बड़े ब्रेव है, हार्ड है, मजबूत है, गिरने वाले नहीं। जो भी इस मार्ग पे बड़ा होशियारी दिल था, बुज दिल बोलते बकरी, बकरी वाला दिल नहीं रखता था, बुज दिल नहीं, शेरी दिल, वो कभी भी प्रसतियों के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपने आप को बनाए रखा और भगवान से शक्ति मांगते रहे। और भगवान शक्ति देती है, जैसे द्रौपदी को भरी सभा में भगवान ने वस्त्र दिया और उसकी इज्जत को बनाए रखा। भले दुशासन वस्त्र खींचता रहा, चीरहरण होता रहा, लेकिन भगवान ने उसकी इज्जत को कभी भी पट्टा नहीं लगने दिया, वस्त्र आता ही रहा। साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, ये नारी है या साड़ी, साड़ी है कि नारी, देवताओं ने पुकारना शुरू कर दिया, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी। भगवान उसकी इज्जत तो रखे, आप जानते ही हैं, शाबाश। इस तरह मेरे प्रभु जब जीव पूर्ण पे डिपेंड करता है और अपने शारीरिक रूप में व्यक्तिगत रूप में कर्तव्य कर्म करता रहता है, तो भगवान शक्ति देती रहती है। जैसे द्रौपदी को उन्होंने साड़ी देती रहे, वो खींचता रहा, वो देते रहे, देते रहे, देते रहे, शाबाश शाबाश शाबाश, कभी भी वो विवस्त्र नहीं कर सका। वस्त्र विवस्त्र हार के बैठ गया शर्मिंदा होके, द्रौपदी विवस्त्र नहीं हो सकी, शाबाश। इस तरह भगवान का प्यारा कभी भी क्या शक्तिहीन नहीं होता। द्रौपदी को तो मिला वस्त्र, और भगवान अपने प्यारे को देती है दिव्य शक्ति, जिससे कभी भी वो निराशा के गड़े में नहीं गिरता, वो हमेशा उसमें आशा बनी रहती है। देखिए अर्जुन निराशा गड़े में गिर गया, भगवान ने ज्ञान देकर के कितनी आशा दिला दी, उसी के मुंह से कहला दिया, इधर कह रहा है मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, ज्ञान दिया तो उसी के मुंह से कहला दिया, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। शुरू में हमें नेगेटिव साइड दिखाई देती है, और आगे चल के जब ज्ञान मिलता है तो कितनी शानदार ब्राइट पॉजिटिव साइड। परमात्मा करे श्रोता वक्ता हम दोनों पूरा पूरा लाभ अपने भगवान जी के अद्वितीय एवं अनुपम ज्ञान से उठा जाए। सचमुच भगवान का ज्ञान आपके पास तो समय नहीं, अगर मुकाबला करो जो दुनिया को ज्ञान दे गए, बिल्कुल मैचलेस, अनपैरेलल, यूनिक, बेस्ट, बिल्कुल मैचलेस है, यूनिक है मेरे बच्चे। ऐसा ज्ञान कौन देगा जिससे दोनों लोक बन जाए, लोक और परलोक। भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपना घर बार छोड़ो, भगवान तो ये कहते दृष्टिकोण बदल लो। दृष्टिकोण बदल गया, आप बिल्कुल बदल गए, आपका पूरा मन भगवान में लग जाता है। है कितना अच्छा कह रही है आठवें अध्याय में, मां मनुष्यवर युद्ध च, मेरी मदर स्मृति बनाए रख और अपने कर्तव्य कर्म को चलाए रखो। कर्तव्य करें टाइम टू टाइम बदलता चला जाएगा, कर्तव्य कर्म सदा एक जैसा नहीं रहता मेरी बीवियों, जैसे समय आता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, पर हमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मन तो भगवान में लगा हुआ है और भगवान से शक्ति ले रहता है। जैसे आपका 3-पिन प्लग सॉकेट में लगा होता है, और आप सॉकेट में लगा के वहां से क्या लेते हैं, करंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आ पाते हैं, और पता नहीं क्या काम कर रही है, आप जो भी लेते हैं तो करंट आ जाती है इलेक्ट्रिक, कब जब 3-पिन प्लग आपने सॉकेट में लगा दिया।
इससे जब मन भगवान में लगा होता है, याद रखना ये डिस्टर्ब, थ्री पिन प्लग इन द सॉकेट एंड देयर इज द इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह मन भगवान के साथ और वहां से डिवाइन पावर आती है। आजमा के देखो, एक एक बात गीता की आजमाओ, मेरी एड़ी चोटी का जोर मार के आजमाने की कोशिश की और कामयाबी ली। आप भी आजमाइए और कामयाबी जरूर लीजिए। गीता का तो हर बोल बोल नहीं, सिद्धांत है। इस जब क्योंकि सिद्धांत है और बड़ा कल्याणकारी, इसलिए अनमोल बोल है। एक एक बोल मेरे प्रभु का अनमोल है। शर्त यह है कि पूरी श्रद्धा रख के अपनाया जाए, जीवन में ढाल लिया जाए। ओए वाह वाह मेरे सजनों, वाह मेरी देवियों, पुरुषार्थ करो अपनी ओर से कि मैं इस तरह आप जीवन गुजारूं। पहले चिंता में, फिक्र में, बेचैनी में, बेकरारी में, कमियों में, जिम्मेवारियों में, ख्वारियों में गुजारा। हर समय हलचल, जब तक नींद नहीं आती, करवटें बदलते बदलते, चिंता फिक्र ठंडे सांस भरते हुए। अब नहीं, आप दिन हो या रात, अंदर हो या बाहर, भगवान की मधुर स्मृति में इतना मन गदगद हो जाता है। कलयुग में तो जीव का बड़ी जल्दी कल्याण होता है, बाकी युगों में देर के बाद होता था। कलयुग में कोई कोई जीव होता है जो मन वचन कर्म से सच्चा होकर के जुट रहा हो, लग रहा हो, भगवान कोई शक्ति प्रदान कर देती। आजमा लो, आपको पूरा मौका मेरे प्रभु दे रहे हैं, जरूर आजमाइए। मैं आपके पास बैठो, कोई ऐसी डिफिकल्टी इसमें आप प्रतीत होती हो, जरूर मेरी जात का लाभ उठाइए और आगे बढ़ चलिए, मेरे तजर्बे का लाभ उठाइए और आगे निकल चलो, तब हमारा जीवन शानदार। बिना भगवान के ज्ञान के फिर देख लो, शरीर एक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक हालचाल ही हालचाल मच रही है, तब जीवन जीने योग्य नहीं होता। लाइफ नॉट वर्थ लिविंग। लाइफ तो लिविंग के काबल होती है भगवान के ज्ञान को ले ले, ज्ञान को साथ रखे और फिर कहीं आत्म जीवन में जाए, मजा आ गया। लो आपका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। फिर एक बार बोल दूं, भगवान आठवें अध्याय में हमें सार रूप में क्या बता रहे गए, मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम, और जंग मतलब जिंदगी की कश्मकश, क्योंकि जिंदगी नाम है कश्मकश का, जिंदगी नाम है संघर्ष का। जंग का अर्थ लगाना बेटी संघर्ष, स्ट्रगल। जंग का अर्थ शाब्दिक नहीं लगाना, नॉट लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग नहीं लेने हमने, वो उसके लिए था अर्जुन के लिए, हमने ले रहा अब जो है दूसरी मीनिंग लेने है, जिसे इंडिकेटिव मीनिंग बोलती है, इंडिकेटिव मीनिंग, नॉट लिटरल बट इंडिकेटिव, या एलिगोरिकली हमने लेना है इसको, एलिगोरिकली। माव अनुस्वर युद्ध चे, अर्थात जिंदगी कश्मकश में हम लगे रहे और जीवन दिन ब दिन कश्मकश खत्म होते जाएंगे, और भी कम यदि आप भगवान की ओर लगे रहे, यदि आप प्रभु की ओर लगे रहे, जीवन बहुत आराम से गुजरता है, कितनी शांति गुजरता है। आखिर में कहना चाहता हूं, जिस दृष्टांत से मैंने बहुत लाभ उठाया, बड़ा लाभ, एक व्यक्ति जरा कुछ नीम सुधाई था, नीम मैंने आधा हाफ पेड, वो एक दिन जा रहा था, सूर्य चढ़ा हुआ था। अच्छा, अब आगे छाया पड़ा, सूर्य उसकी पीठ के पीछे था, अब वो झल्ले ने चाह के छाया को पकड़ो, पुरुषार्थ किया, दो बार गिर भी गया, रोने लगा। अब कोई सियाना आप जैसा आया, दया आई, क्या चाहती हो, मैं अपने छाया को पकड़ना चाहता हूं। आपने सोच लिया पागल है, छाया को, हा अच्छा, बड़ा मजा आता है, अच्छा ऐसा मेरा कहना मानेगा, हा ये देख, ये सूर्य तेरे साथ छू रहा है ना, तो छाया सूर्य के साथ है, सूर्य की ओर मुंह कर ले, इधर ना जाऊं इधर जाऊं, हा कहना मान लिया उसने, सूर्य की ओर मुंह किया, पीछे जाति मार के देख, छाया पालतू कुत्ते की तरह पीछे पीछे आ रहा। बड़ा गजब प्रतिष्ठान जी, देवियों अगर हम अगर वो इंसान सूर्य की ओर मुंह कर ले तो छाया पीछे पीछे, अगर सूर्य को पीठ दिए रहे तो छाया आगे जाएगा, पकड़ने की कोशिश करेंगे बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा।
इस तरह अनुभवी और मेरे गुरुदेव महाराज जी ने बताया कि जो जीव शांति से जीना चाहता है, बिल्कुल शांति से, हाँ अपना मन भगवान की ओर कर ले, तो शांति कुत्ते की, पालतू कुत्ते की तरह पीछे पीछे आएगी। मैं आपको कह सकता हूं मेरे सज्जनों, में दुनिया वालों को क्या कहूं, वो भगवान को पीठ दे के जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए शांति का छाया और आगे और आगे और आगे। एक बार आजमा के देखो, अपना मन भगवान की ओर कर लो। जैसे मेरे प्रभु कह रहे हैं, मुझे याद है अर्जुन, तो शांति की देवी आपके पीछे मां की तरह भागती भागती आता है। दुनिया वाले उल्ट कर रही है, भगवान से भी मुख और शांति जीना चाहते, कभी नहीं हो सकता। सूर्य को पीठ दे करके छाया को पकड़ना, आप खुद कहेंगे महामूर्खता। सूर्य को पीठ दे के छाया को पकड़ना महामूर्खता। छाया आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, और अगर सूर्य को मुंह दे तो छाया पीछे पीछे। भगवान को अपना बनाकर दिन काटे, शांति आराम चैन धन पदार्थ सब आपके पीछे पीछे। यही सिद्धांत बताते हुए हमारा 18वां अध्याय और आखिरी श्लोक संपूर्ण हो जाता है, यानी भगवान का उपदेश संपूर्ण हो गया। जा है कृष्ण मेहरबा काबरानी आचार। इस आधार पर जीवन कटेगा, बड़े आराम से कट जाएगा। क्या अरलोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। क्या कहा मेरी महाराज जी ने आज आशीर्वाद क्या दिया, मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और कश्मकश कर और जीवन के संघर्ष में लगा रहो। परमात्मा करे अवशेष जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाए। महाराज जी के अनमोल उपदेश अनुसार मेरा और आपका जीवन जितना रह गया है इसी तरह गुजर जाए। हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण।
भवन सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।